लेट्स एनालाइज दीज वन बाय वन चिल्ड्रन। सबसे पहला काम है कि मार्केट की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करिए कि भाई आपको करना पड़ेगा एक एनालिसिस, और ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, मैनेजमेंट में भी हमने इसको पढ़ा था स्टार्टिंग में बच्चों, स्वॉट एनालिसिस। इफ पीपल हैव ऑप्टेड सब्जेक्ट कॉल्ड कॉमर्स इन क्लास 11th आफ्टर पासिंग क्लास 10th, तो उन्होंने भी स्वॉट एनालिसिस कहीं ना कहीं किया कि भाई हमारी स्ट्रेंथ है, हमको मनी मैटर्स थोड़ा अच्छा लगता है, समझ में हमको तेज आता है तो हम कॉमर्स पढ़ लेते हैं। वीकनेस है कि भाई साइंस में केमिस्ट्री थोड़ी कम समझ में आती है। अपॉर्चुनिटीज कॉमर्स में कंपेरेटिवली ज्यादा नजर आ रही है कि भाई अगर पीसीएम पढ़ लिया तो मोर और लेस इंजीनियरिंग इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट आउट, बट अगर कॉमर्स पढ़ लेंगे तो सीए भी कर लेंगे, लॉ भी कर लेंगे, होटल मैनेजमेंट भी कर लेंगे, फैशन स्टडीज भी कर लेंगे, लीगल भी पढ़ लेंगे, लॉ कर सकते हैं, तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आर देयर। कॉमर्स में फायदा ज्यादा है, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं, तो बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम में आ गए। थ्रेट क्या है कि अगर पीसीएम लेके आईआईटी नहीं मिला तो बाकी नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ाई बहुत अच्छी कोई होती नहीं है, या एनआईटी नहीं मिला तो दूसरे कॉलेजेस में अच्छी पढ़ाई नहीं है। तो ये होता है बच्चों स्वॉट एनालिसिस। अब यहां पे हम लॉजिक अप्लाई करते हैं बजाज ऑटोमोबाइल्स का, नाम तो सबने सुना ही होगा। द ओनर ऑफ द कंपनी वॉज मिस्टर राहुल बजाज। जब इन्होंने देखा कि भाई इनके स्कूटर्स की मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है तो ये अलग अलग टाइप ऑफ स्कूटर्स बनाने लग गए, बट जो इनकी अगली जनरेशन थी, सेकेंड जनरेशन, मतलब इनके बेटे, तो उन लोगों को क्या लगा कि भाई फ्यूल प्राइसेस आर राइजिंग वेरी हाई, तो हम स्कूटर्स छोड़ के लेट अस स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग बाइक्स। क्यों बाइक्स मैन्युफैक्चर करेंगे? राहुल बजाज जी ने बोला कि भाई बाइक्स क्यों बना रहे हो, स्कूटर हमारी पहचान है, लोग बोलते भी थे हमारा बजाज। तो इन्होंने बोला कि भाई जो फ्यूल का प्राइस है पेट्रोल का, ये बहुत राइज कर रहा है, जो माइलेज है स्कूटर का वो बहुत लो है, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज की पेट्रोल प्राइसेस वर स्टार्टेड राइजिंग हाई एंड माइलेज ऑफ द स्कूटर इज प्रैक्टिकली वेरी लो। तो ये सबसे बड़ा थ्रेट था आने वाले टाइम का कि भाई फ्यूल के बढ़ते प्राइसेस से हो सकता है लोग स्कूटर चलाना छोड़ ही दें, तो दिस वॉज द थ्रेट इन द मार्केट। स्ट्रेंथ इनकी ये थी कि भाई जिस प्लांट में इनका स्कूटर बन रहा है उस प्लांट पे ये बाइक की मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जो इनके एम्प्लॉयज हैं दे आर ऑलरेडी ट्रेंड, जैसे स्कूटर में पहिया लगाना है वैसे बाइक में लगा देंगे, लॉजिक समझ में आ गया, और चीजें तो कंप्यूटराइज होती हैं आजकल। तो स्ट्रेंथ वॉज दिस कि भाई टू व्हीलर मार्केट में इनका अच्छा नाम था, और ऐसा नहीं कि जब ये स्कूटर बनाते थे तो ये बाइक नहीं बनाते थे। के बी 125 एंड बजाज बॉक्सर के नाम पे ऑलरेडी इनकी बाइक्स उस जमाने में भी आती थी। के बी इज कावासाकी, कावासाकी कंपनी का नाम आपने सुना होगा, तो कावासाकी इज अ जापानीज कंपनी जो इनकी पार्टनर थी, बट अब ये चाह रहे थे कि नहीं हम एक ऐसी बाइक बनाएं जो इंडिया में सिर्फ हमको हमारे नाम से जाने, तो उन्होंने पहली बाइक जो लॉन्च की चिल्ड्रन दैट वॉज पल्सर एंड प्लैटिना। तो जिन लोगों को माइलेज ज्यादा चाहिए दे यूज टू गो फॉर प्लैटिना, और जिनको थोड़ी पावर चाहिए, थोड़ी रेसिंग टाइप बाइक चाहिए, दे यूज टू गो फॉर पल्सर। तो स्ट्रेंथ वॉज दिस कि जिस फैक्ट्री में स्कूटर बन रहा है उसी में बाइक बन जाएगी। छोटी सी एक वीकनेस थी कि भाई जो एड ऑन मॉडल्स करने हैं उसके लिए थोड़ा एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, बट उसको हम ओवरकम कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। और आने वाले टाइम में पेट्रोल का प्राइस तो बढ़ ही रहा है क्योंकि स्कूटर्स की माइलेज कम हुआ करती थी, तो इनको लगा कि बाइक में अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। थ्रेट किससे था? उस जमाने की सबसे भयंकर कंपनी, सबसे बड़ी कंपनी यामा, जिनकी बाइक आती थी RX 100 चिल्ड्रेन। और समझ लीजिए RX 100 का 90s में वो पंप एंड शो था मार्केट में, वो भोकालबाजी थी। आज मर्सिडीज वाले को भी लोग उस नजर से नहीं देखते जिस नजर से यामा RX 100 के ओनर को देखा जाता था। तो यामा RX 100 इनका बहुत बड़ा थ्रेट था, बट अगेन प्रॉब्लम विद यामा वॉज दिस कि यामा का जो माइलेज था चिल्ड्रेन दैट अगेन वॉज वेरी 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 लो, क्योंकि यामा काम किस पे करता था? यामा काम करता था टू स्ट्रोक इंजन पे। तो अगेन विद द लो माइलेज इनको लगा कि भाई यामा हमारा कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं। और धीरे धीरे जब बजाज वाले अपनी बाइक लेकर आए 4 स्ट्रोक और माइलेज वॉज मोर, तो यामा मार्केट से प्रैक्टिकली आउट ही हो चुका था। सो पीपल अंडरस्टूड हाउ द नीड इज गैदर्ड, कैसे कस्टमर की वॉन्ट को सेटिस्फाई करते हुए अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना है विद द हेल्प ऑफ स्वॉट एनालिसिस। तो जीवन में कभी भी कहीं भी फंस जाए, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो, तो एक स्वॉट एनालिसिस कर लीजिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। भाई मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं खाता बहुत हूं, तो मैं फूड वाला कॉम्पिटिशन लड़ लूं जाके, वहां मैं जीत जाऊंगा। वीकनेस इज दिस कि भाई नींद बहुत आती है और बहुत धीरे चल पाते हैं, तो भाई वॉकिंग कॉम्पिटिशन में कभी हिस्सा ना ले। हाँ कुंभकर्ण के लिए आप परफेक्ट हैं कि अगर आपको नींद बहुत आती है तो।
तो किसी के लिए नींद बहुत आना वीकनेस है, और किसी के लिए ये रामलीला में काम करने के लिए कुंभकर्ण के रोल की स्ट्रेंथ भी बन जाती है। तो स्वॉट एनालिसिस सबको समझ में आ गया। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट, आगे चलते हैं। कोई क्वेरी किसी की? प्रियंका जी, अनुष्का जी, अर्चिता जी, अंशिका जी, कोई क्वेरी? नो सर, चलिए। नो सर, नो। सर स्टैंडर्डाइजेशन, व्हाट इज दिस? मैंने आपको बोला था, दादी माने आपको बोला कि भाई जाओ आटा ले आओ मार्केट से, बट देखना कि वो किस गेहूं का आटा हो। द कोड वर्ड इज K68। तो स्टैंडर्डाइजेशन का एक एग्जाम्पल तो आपको मैंने दे ही दिया, ये एक्चुअली ब्रांडिंग ज्यादा है स्टैंडर्डाइजेशन का। जब आप मार्केट में रेडीमेड शर्ट खरीदते हैं बच्चों, और मान लीजिए साइज है आपके पापा की शर्ट का XL, और आपने XL शर्ट मार्केट से परचेज की, एक ही ब्रांड की चार शर्ट्स अगर आप लेते हैं सेम साइज की, इज इट पॉसिबल कि कोई भी 2-4 mm भी बड़ी छोटी होगी बच्चों? नो, एग्जैक्टली द साइज वुड बी सेम। आप मारुति की, हुंडई की, होंडा की कार खरीदिए मार्केट से जाके, ऐसा होगा किसी कार का साइज 1 mm या 1 इंच बड़ा है दूसरे का 1 इंच छोटा है? नो। 1% का भी क्या, 0.1% का भी आपको यहां पे डिफरेंस इन साइज नजर ही नहीं आएगा। क्यों नहीं नजर आएगा? बिकॉज प्रोडक्ट्स आर मशीन मेड, एंड इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं व्हाट इज नोन एज स्टैंडर्डाइजेशन। तो अगर आपका प्रोडक्ट बहुत स्टैंडर्डाइज्ड है, आप एकदम बेस्ट टेक्निक को यूज कर रहे हैं, तो भाई इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं है, बार बार चेक करने की कोई भी किसी को जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई प्रोडक्ट इज स्टैंडर्डाइज। सपोज इट इज अ मोबाइल फोन चिल्ड्रन, जब ये फैक्ट्री में बनता है तो इसका साइज एकदम फिक्स है। ऐसा नहीं कि कोई थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा फिर घिस के छोटा करना पड़ेगा, या छोटा हो गया तो और एड ऑन करना पड़ेगा। नॉट एट ऑल। वेन द प्रोडक्ट इज ऑफ वेरी गुड हाई क्वालिटी, उसके बहुत ज्यादा टेस्टिंग और इवेल्युएशन की भी जरूरत नहीं है आपको। तो अगर आपने देखा हो कि आपने किसी कंपनी का मोबाइल लिया, 4 बार गिरा और खराब हो गया, तो इसका मतलब उसकी टेस्टिंग में प्रॉब्लम है। बट सैमसंग क्या करता है, हर मोबाइल फोन को बनने के बाद थ्रो टेस्ट करता है। कौन सा टेस्ट? थ्रो टेस्ट। व्हाट इज दिस थ्रो टेस्ट? क्या थ्रोट में रख के देखते हैं मोबाइल को? नो। मोबाइल को भयंकर झटके से जमीन पर फेंका जाता है, अगर उठाने के बाद वो वापस ऑन हो गया, इसका मतलब ठीक है, सारे इक्विपमेंट, सारे कंपोनेंट ठीक से फिक्स्ड है। तो इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट जिसमें आपने काफी ध्यान देकर क्वालिटी पे, उसकी पैकिंग पे, प्राइसिंग पे ध्यान दिया है, तो बार बार अब उसको देखने की जरूरत नहीं है। तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि मान लीजिए कि टीचर को एक टेस्ट पेपर बनाना है। अब टीचर ने बोर्ड का सैंपल पेपर डाउनलोड किया और देखा कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है, कौन सा केस स्टडी का है, कौन सा MCQ है, कौन सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, कौन सा नॉलेज बेस्ड है, कौन सा रिमेम्बरेंस बेस्ड है। ये ब्लूम की टैक्सोनॉमी होती है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। अगर आप कल को BEd प्रोग्राम करेंगे बैचलर ऑफ एजुकेशन का, तो आपको बताया जाएगा कि बच्चे की टेस्टिंग के लिए सबसे पहले जब कोई भी कॉन्सेप्ट उसको पढ़ाया जाता है, हम उसका रिमेम्बरेंस चेक करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया का सबसे बड़ा रिवर कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर गंगा नदी है, सबने रटा हुआ है। भाई गंगा जी कहाँ से निकली? तो लोग कुछ बोलेंगे कि भाई गौमुख ग्लेशियर से निकली। तो दिस इज रिमेम्बरेंस बेस्ड, आपको रटा दिया गया क्लास में और आपने पढ़ लिया। अब अगर आपसे पूछा जाए गंगा नदी किसके साथ मिलकर संगम बनाती है, तो आप कहेंगे किसके साथ, किसी के साथ ही मिला दो जिसके साथ उसका मन हो मिलने का। तो भाई ये तो गलत हो गया ना। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्या है? यमुना नदी के साथ। इज दैट क्लियर? तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड मतलब आपको कंटेंट पढ़ा दिया, अब उस समझ से आपको आंसर लिखना है। तो ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी में ये 6 पैरामीटर्स होते हैं बेसिकली, उसमें रिमेम्बरेंस, नॉलेज बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग, एनालिटिकल, एप्लीकेशन बेस्ड, इस तरह से आपको बताया जाता है टीचर को कि भाई बच्चे की अंडरस्टैंडिंग, बच्चे की रिमेम्बरेंस, बच्चे की नॉलेज, बच्चे का एप्लीकेशन स्किल, ऐसे आप टेस्ट करिए। तो उसी हिसाब से क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन बनाए जाते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको लगते हैं बड़े इजी, अरे सर ये तो 2 मिनट में आंसर आ गया। कुछ लगते हैं सर मेरे को 5-10 मिनट इसके ऊपर सोचना पड़ गया, अच्छा ये ऐसे होगा। तो जो आंसर तुरंत आ गया वो रटाफिकेशन बेस्ड था, वो रिमेम्बरेंस बेस्ड था, कि आपका जो बुद्धि का स्टॉक है वो कितनी तेज बाहर आता है। देन आपको क्वेश्चन बोला गया जिसमें आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, भाई ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, तो इट इज अंडरस्टैंडिंग। अब आपसे बोला गया कि भाई इसके बेसिस पे आप कंक्लूजन निकालिए, तो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया। तो हर टीचर को ये ब्लूम की टैक्सोनॉमी पढ़ाई जाती है, तो एवरी टीचर स्टडीज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो इसीलिए जो भी टीचर क्वेश्चन पेपर बना रहा है, उसमें ऐसा नहीं होगा कि एक का पेपर बहुत अच्छा बन गया, एक का बहुत बेकार बन गया, क्योंकि सबने एक कॉमन अप्रोच फॉलो की है। कौन सी अप्रोच? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी फॉलो की है, कि भाई आपको अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन भी रखने हैं पेपर में, रिमेम्बरेंस बेस्ड भी रखने हैं, एनालिटिकल भी रखने हैं, नॉलेज भी रखने हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी रखने हैं। तो
तो व्हेन एवरीबडी इज ट्रेन्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट तो एवरीबडी विल गिव द सेम आउटपुट। बात समझ में आ रही है पक्का? चलिए, तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन हमारी टीचिंग इंडस्ट्री में। इज दैट क्लियर? तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको एक टीचर का पेपर थोड़ा अलग नजर आ रहा है, दूसरे का एकदम अलग। अगर ऐसा है तो वी विल से कि इन पेपर्स में किस चीज की कमी है बच्चों? स्टैंडर्डाइजेशन की कमी है। क्यों नहीं हो पाया स्टैंडर्डाइजेशन? क्योंकि कुछ टीचर्स ने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी फॉलो करके रिमेम्बरेंस, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग हर तरीके के क्वेश्चंस दिए हैं, बट कुछ टीचर्स ने इसको फॉलो नहीं किया। मैं आपको इसके लिए एक कंटेंट भी दिखाना चाहूंगा, शायद आपकी किस्मत अच्छी हो तो आपको दिख जाए। जस्ट होल्ड ऑन, शायद आपको नजर आ जाए। जस्ट शेयरिंग अ क्वेश्चन पेपर। ये आईएससी का सैंपल पेपर है चिल्ड्रन। खुल जाए सिमसन। जस्ट होल्ड ऑन, शायद खुल जाए। जस्ट होल्ड ऑन चिल्ड्रन। लाइक चिल्ड्रन यू कैन सी, ये काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन का स्पेसिमेन पेपर है। ये आप सबको प्रोवाइड कराया गया है, जिनको नहीं कराया गया उनको मिल जाएगा। देखिए, इन्होंने लिखा है द कमीशन ड्यू टू पार्टनर इज क्लोज्ड बाय। जब आप कमीशन की एंट्री पास करते हैं, एडजस्टिंग एंट्री, तो क्या होती है भाई? पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। फिर ये एडजस्टिंग हो गई, क्लोजिंग एंट्री होती है पीएल अप्रोप्रिएशन टू कमीशन। तो आप क्लोज करेंगे, एंट्री करेंगे पीएल अप्रोप्रिएशन टू कमीशन, तो आपके आंसर में पीएल अप्रोप्रिएशन डेबिट है और कमीशन क्रेडिट है। चेक करिए इसमें से कौन सा आपका आंसर होगा। डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल गलत, क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल, डेबिटेड टू पीएल अप्रोप्रिएशन, क्रेडिटेड टू पीएल अप्रोप्रिएशन। ऊपर क्या लिखा है? कमीशन ड्यू टू अ पार्टनर इज क्लोज्ड बाय, क्लोज्ड बाय। तो एंट्री क्या बताई मैंने आपको? पीएल अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल, तो पीएल अप्रोप्रिएशन डेबिट होगा, सॉरी पीएल अप्रोप्रिएशन टू कमीशन, तो पीएल अप्रोप्रिएशन डेबिट और कमीशन क्रेडिट। तो यहां पे कौन सा आंसर आपका सही है? सी। तो आगे देखिए, ग्रीन कलर से कुछ लिखा हुआ है बच्चों मार्क्स के बगल में, अंडरस्टैंडिंग। भाई ये अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप लिख लेंगे। अगर ये रिमेम्बरेंस बेस्ड क्वेश्चन होता, कौन सा? रिमेम्बरेंस, तो आपको क्या पूछते? कमीशन ड्यू टू अ पार्टनर इज एन, ऑप्शन ए इनकम फॉर द बिजनेस, ऑप्शन बी एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, ऑप्शन सी ईदर, ऑप्शन सी कुछ भी हो सकता है। ये खोपड़े में बात गई। देयर आफ्टर चिल्ड्रन आगे आते हैं। अब देखिए, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया। ऑन द एडमिशन ऑफ आदिल अ पार्टनर द कैपिटल ऑफ रोहन एंड पवन आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स वर ₹50,000-40,000। ये कैपिटल इनकी, कैपिटल बिफोर आदिल्स एडमिशन वाज 45 and 48। तो एडमिशन के बाद कैपिटल हो गई 50 और 40, और पहले थी 45 और 48, तो दोनों की कैपिटल थोड़ी सी कम हुई कि बड़ी बच्चों? आंसर, रोहन की कैपिटल एडजस्टमेंट के बाद 50 और पहले कितनी थी? 45। और आदिल की, सॉरी आदिल नहीं, क्या नाम है, पवन, इसकी 40 हो गई और पहले कितनी थी? 48। तो एक की कम हुई और एक की बढ़ गई। तो जिसकी कम हुई मतलब उसका कैपिटल डेबिट हुआ, और जिसकी बढ़ गई मतलब उसका कैपिटल। तो आपने दिमाग लगाया, तो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया। रिकॉल को रिमेम्बरेंस बेस्ड बोलते हैं हम लोग। चूज द कॉम्पोनेंट्स रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट फर्म गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। कि भाई नॉर्मल प्रॉफिट लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट लेते हैं, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज लेते हैं, या एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड लेते हैं, पी क्यू आर एस, इसमें से क्या लेते हैं? भाई जो जो आपने फॉर्मुले में लर्न किया था वो आ गया। तो रिमेम्बरेंस बेस मतलब जो चीजें आपने रटी हुई हैं, एप्लीकेशन बेस मतलब पढ़ चुके हैं, उसके बेसिस पे आपको सोचना है। एक ऐसी चीज जिसमें आप टाइपिंग कर पाए, स्क्रीन सामने हो, कीबोर्ड हो, बैग में फोल्ड करके रख भी सकते हैं। अब दो चीजें आपके दिमाग में आ गई, ये कंप्यूटर की बात कर रहे थे पहले, बैग में फोल्ड करके रख भी सकते हैं, तो ये लैपटॉप भी हो सकता है, पाम टॉप भी हो सकता है, टैबलेट भी हो सकता है। इज दैट अंडरस्टूड? तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से आपको आपकी मतलब की चीजें समझ में आ गई बच्चों? एनी डाउट्स, मैनी डाउट्स ऑन दिस? खोपड़े में बात गई। चलिए, तो इसी के साथ हमारा ये कॉम्पोजिशन होता है पूरी तरह से समाप्त। चलते हैं अगले पॉइंट पे। तो एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम इन दिस? समझ में आ गया स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब?
तो अब जितने सैंपल पेपर्स आईसी के, सीबीएसई के, यूपी बोर्ड के, किसी के भी बने, बोर्ड का सैंपल पेपर देखकर ही पब्लिशर बोलेगा भाई क्वेश्चन नंबर वन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, तो मेरे को भी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ही रखना है। जब उसी तरह से हम आपकी प्रैक्टिस कराएंगे, आपको पता है कितने अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आने हैं, कितने एप्लीकेशन बेस्ड आने हैं, तो आप उस हिसाब से पढ़ाई करेंगे। जब आपको पता है कि भाई 10 क्वेश्चन आएगा उसमें 6 आंसर करना है, सब लॉन्ग आंसर होगा, ऐसे टाइप लिखना है, तो आप रटन विद्या पे ज्यादा ध्यान देंगे और एप्लीकेशन पे कम ध्यान देंगे। समझ गए स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब। ग्रेडिंग आ गया आपके सामने, आपके घर में इनमें से कौन सी चाय आती है ये मैं बताऊंगा, लेफ्ट से तीसरी और राइट से दूसरी, टाटा टेटली। मेरे घर में कौन सी आती है सर, टाटा अग्नि। तो फर्क क्या है इसमें भाई, टाटा टी अग्नि प्रीमियम टेटली गोल्ड सब चाय है, बट सबसे महंगी वाली कौन सी है, टेटली, वो डिप डिप वाली, मान लीजिए आजकल डिब्बे में भी आने लग गई है। टाटा टी गोल्ड, इसका प्राइस भी लगभग सेम ही है। सबसे सस्ती वाली कौन सी है, टाटा टी अग्नि। तो जो लोग ज्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, दे विल गो फॉर विच टी चिल्ड्रन, अग्नि खरीदेंगे वो। और अंबानी के घर में, आपके घर में ये वाली आती है टेटली और गोल्ड, मैं सोच रहा हूँ कि टाटा टी प्रीमियम से ही काम चला लो। और जो हमारे घर में हाउस हेल्प आ रहे हैं उनके यहाँ आती है टाटा अग्नि, बट मैं आपको असलियत बताऊं बच्चों, टाटा अग्नि सबसे अच्छी चाय होती है, और सबसे कबाड़ चाय जो होती है टाटा टी गोल्ड, इसमें टेस्ट ही नहीं आता, रईसों की चाय है। देयर आफ्टर मिल्क की बात करें तो फुल क्रीम मिल्क भी आता है बच्चों, और टोंड भी आता है, वो हिंदी बोलते हैं सपरेटा दूध, तो टोंड में उतनी ज्यादा मलाई नहीं निकलेगी, बट फुल क्रीम में मलाई बहुत ज्यादा निकलेगी। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क लाओ, 400 ग्राम पानी ऐड कर लो, 1.5 लीटर के हिसाब से बन ही जाएगा। सिंगल टोन है ये, लगभग आपको 1.5 लीटर खरीदना पड़ेगा, इसीलिए सिंगल टोन थोड़ा सस्ता होता है और फुल क्रीम थोड़ा महंगा। डबल टोन भी आता है, सूंघते रह जाएंगे तभी मलाई आपको नजर नहीं आएगी, पानी है समझ लिए डबल टोन मिल्क। तो अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेडिंग। तो जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एग्जाम्पल दिया था वैन हुसैन का, लुई फिलिप का, पीटर इंग्लैंड का, कल को आ जाएगा पीटर फैजाबाद, पीटर प्रतापगढ़, पीटर कनॉट प्लेस, पीटर करोल बाग, पीटर पालिका बाजार, पीटल मुंबई, कुछ भी आ सकता है। तो कंपनी इस तरह से ग्रेडिंग करती है, महंगे लोगों को, बड़े लोगों को, रईस लोगों को महंगे में प्रोडक्ट बेचना है तो उनकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी कर दो, ब्रांड वैल्यू बढ़ा दो। कम पैसे हैं आपके पास, यू कैन गो फॉर टाइड, ज्यादा पैसे हैं यू कैन गो फॉर एरियल, चॉइस इज योर्स, आपको क्या खरीदना है बच्चों। बातें समझ में आ गई, रिटन एवरीबडी, बी क्विक बी क्विक बी। जैसे जूम है मेरे पास, तो मेरा जो जूम है इसका एनुअल पेमेंट 4,590 रुपये का मेरे को करना पड़ता है, और इस प्रोग्राम में आई कैन हैव 200 पार्टिसिपेंट्स कनेक्टेड वन टाइम, अनलिमिटेड मीटिंग्स आर देयर 30 आवर्स तक, 30 आवर्स के बाद मीटिंग 1 सेकेंड के लिए डिस्कनेक्ट करके फिर नहीं स्टार्ट कर सकते हैं, बट सुपर अनलिमिटेड नहीं है। तो सर फर्क क्या करता है, 30 घंटा बहुत होता है, वो 30 घंटा एक साथ थोड़ा पड़ेगा, खैर कंपनी का ऑफर है। फिर अगर आप प्रो पैक ले लें तो इसमें 500 लोग आएंगे और अनलिमिटेड मीटिंग्स हो जाएंगी और आपकी रिकॉर्डिंग फैसिलिटी भी हो जाएगी। फिर एक बिजनेस यूजर पैक आएगा, जो ऊपर की चीजें हैं वो तो है ही है, साथ में जूम रूम्स भी आपको मिल जाएगा और टेली कॉन्फ्रेंसिंग, आप मोबाइल फोन या लैंडलाइन फोन से कॉलिंग भी कर सकते हैं। सर जूम रूम्स क्या होता है, मैं 3 क्लास एक साथ ले सकता हूँ, एक क्लास में आपको पढ़ाया, होमवर्क दिया, फिर मैं आपका जूम रूम होल्ड पे डाल के दूसरे जूम रूम में एंटर कर गया। नहीं समझे बात को, जैसे आप अपने कंप्यूटर पे एक फोल्डर ओपन करें, साथ ही साथ आप 2 फोल्डर ओपन करके स्क्रीन पे 2 फोल्डर पे एक साथ काम कर सकते हैं। तो जूम रूम में क्या है, जैसे अभी तो मैं आपके साथ कनेक्टेड हूँ, मैं आपको होल्ड पे डाल के दूसरा रूम क्लिक करूंगा, 10 बच्चे वहां पे कनेक्टेड हैं, फिर मैं उनको एक टॉपिक देके होमवर्क देके फिर वापस आपके पास चलाऊंगा, तो ये जूम रूम होता है। तो ये आपको बिजनेस में या प्रो पैक में मिलेगा और इनकी प्राइसिंग थोड़ी बढ़ जाएगी। तो प्रो पैक मान लीजिए इज अवेलेबल फॉर लेट अस से 20,000 पर एनम, फिर बिजनेस पैक आपको चाहिए तो ये 30,000 रुपये में आपको मिलेगा। तो जिसकी जैसी जरूरत वो वैसा प्रोडक्ट खरीद सकता है। तो मेरा जो जूम है इट इज Zoom 1 Pro, Zoom 1 Pro, ओके। और एक फोकट वाला भी आता है, उसमें 40 मिनट की मीटिंग होती है जो आपने कोविड में काफी इस्तेमाल किया होगा, और उसके बाद वो डिस्कनेक्ट होता है फिर कनेक्ट करना पड़ता है। तो अर्लियर आई यूज टू दैट ऑल्सो, बट अब जब लगा कि भाई रिकॉर्डिंग के लिए पूरे 1 घंटे की क्लास रिकॉर्ड हो नहीं पाती तो फिर मेरे को उसको परचेज करना पड़ गया। पहले यही वाला प्लान कंपनी 15,000 रुपये में बेचा करती थी, जब उनको लगा कि लोग खरीद नहीं रहे तो उन्होंने प्राइस को कम कर दिया। समझ गए बात को,
समझ गए बात को भाई? चलिए, लेबलिंग, लेबल इज अ सेल्फ सेल्समैन बच्चों, ऐसा बोला जाता है। तो अगर लेबल की बात करें तो इट्स जस्ट लाइक आपके किसी भी प्रोडक्ट के पीछे जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट के बारे में, इंग्रेडिएंट्स क्या है, कैसे उसको यूज करना है, कैसे उसको डिस्पोज ऑफ करना है, ये सारा चीज आपको लेबल में मिलता है बच्चों। तो अगर कंपनी के प्रोडक्ट का लेबल अच्छा है तो काफी क्वेरीज आपकी देन एंड देयर फिनिश अप हो जाएंगी। आप एजुकेशन के केस में सिलेबस को लेबल बोल सकते हैं, सब्जेक्ट में क्या क्या आएगा, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो किसी भी सब्जेक्ट के लिए उसका सिलेबस कंटेंट जो बोर्ड ने रिलीज किया, उसका सैंपल पेपर जो बोर्ड ने रिलीज किया, बीच बीच में जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं, सबको जोड़ दीजिए तो ये आपके सिलेबस का लेबल बन जाता है। बुक के केस में जो इंडेक्स हुआ, एमआरपी वाला पेज हो गया, जहां पे प्रीफेस लिखा हुआ है, वेयर इट इज मेंशन कि कौन सा एडिशन है, 25th है कि 30th है, प्रिंटिंग इसकी कहां पे हुई, पब्लिशर कौन है, अबाउट द ऑथर, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, लेबलिंग हो जाएगी। एंड दी बेस्ट, व्हेनसोएवर यू बाय एनी प्रोडक्ट, उसके डिब्बे के पैकेट के बैक साइड पे देख लीजिए, कैलोरी कंटेंट एंड ऑल दैट मेंशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ लेबल। डन ऑल, लिख लिया। चलिए, पैकेजिंग एंड पैकिंग, ये दो चीजें हैं जिसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है और इसके ऊपर एमसीक्यू आता है तो लोगों की हालत खराब हो जाती है। पैकिंग का मतलब क्या होता है एंड पैकेजिंग का मतलब क्या होता है? अगर आप बात करें बच्चों सो कॉल्ड फ्रूटी की, किसकी फ्रूटी की, तो 200 ml फ्रूटी का जो लिक्विड होता है वो बॉटल के अंदर भरा जाता है, दैट इज नोन एज पैकिंग। फिर 15 bottles को एक कार्टन बॉक्स में पॉलिथिन रैप करके दे दिया था आपको, दैट इज नोन एज पैकेजिंग। समझ में आ गया? समझ में आ गया? इफ यू गो टू द मार्केट एंड से कि भाई हमको 2 kilo चावल दे दो, 5 kilo अरहर की दाल दे दो, 1 kilo काली दाल दे दो, 2 kilo चने दे दो, सो शॉपकीपर क्या करेगा भाई, वो आपको पॉलिथिन में सब वेइंग करके भर के दे देगा। फिर आपने कहा इन सबको एक पॉलिथिन में रख दो, ले जाना आसान हो जाए, तो सारी चीजें बड़े पॉलिथिन या कार्टून बॉक्स में रख दी गई, दैट इज नोन एज पैकेजिंग। इज दैट क्लियर? आपने मान लीजिए अमेजोन से मोबाइल फोन खरीदा, तो सबसे पहले मोबाइल फोन डिब्बे के अंदर रखा जाएगा, तो डिब्बे के अंदर मोबाइल फोन को रखना इज नोन एज व्हाट, पैकिंग। आपके घर आते आते वो टूटे ना, डैमेज ना हो, उसके ऊपर बबल रैप किया जाएगा। बबल रैप के ऊपर हम एक छोटा सा कार्डबोर्ड लगाएंगे, उसके ऊपर अमेजोन का अपना ग्रे कलर का पैकेट होगा। ये सारी चीजें, मोबाइल फोन के डिब्बे के ऊपर बबल रैप लगाना, उसके ऊपर ब्राउन कलर का कार्डबोर्ड लगाना, उसके ऊपर अमेजोन का ग्रे कलर का पॉलिथिन लगाना इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन, पैकेजिंग। सुनाई पड़ रही है बात सबको? तो पैकिंग इज प्राइमरी एंड पैकेजिंग इज सेकेंडरी। लॉजिक समझ में आ गया? एक बच्चा एक बार पूछा सर, जैसे बाजार में अंडा खरीदने गए तो पैकिंग और पैकेजिंग क्या होगा? तो मुर्गी ने जो अंडा दिया, जो येलो कलर का योक होता है और उसके साथ जो फ्लूइड होता है जिसके अंदर योक होता है, वो शेल में होता है ना, कैल्शियम का शेल होता है, वो खाना जाना बॉडी में कैल्शियम बढ़ाने के लिए, तो दैट कैल्शियम शेल जो नेचुरली मुर्गी ने दिया, उसके अंदर योक था, इज पैकिंग। और आप जब बाजार में 12-15 अंडे खरीदने गए और आपको पॉलिथिन में या कैरेट होता है या 30 का, या आपको मान लीजिए वो पेपर बैग में शॉपकीपर ने डाल के दे दिया, इट इज नोन एज पैकेजिंग। समझ में आ गई बात? तो आपने जोमेटो से कुछ सामान ऑर्डर किया, लेट अस से एक प्लेट बटर पनीर मसाला, वैसे आज वेडनेसडे तो बटर चिकन की बात हो सकती है, तो आपका जो खाने का सामान था वो एक प्लास्टिक के डिब्बे में आया, दैट प्लास्टिक बॉक्स इज नोन एज पैकिंग, प्राइमरी होता है ये। उसको हमने टेप लगाकर, ध्यान दीजिएगा बच्चों, जोमेटो वाली टेप ही पैकेजिंग हो गई। फिर उसको पॉलिथिन के अंदर या क्लॉथ बैग के अंदर रखना इज ऑल्सो कॉल्ड एज पैकेजिंग। समझ में आ गई बात? तो पैकेजिंग ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पैकिंग इज प्राइमरली बेसिकली। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? तो इंसान के शरीर की हड्डियां उसकी स्किन से ढकी हुई है, तो स्किन इज पैकिंग। और आपने कपड़े पहन लिए, ठंडी लग रही है, स्वेटर पहन लिया, इट इज पैकेजिंग। अब ये मत बोलिएगा ठंडी में किसी को, कायदे से पैकेजिंग कर लो अपनी, नहीं तो जुकाम लग जाएगा। समझ गए पैकिंग और पैकेजिंग का डिफरेंस? नहीं समझे? समझ गए? चलिए, ब्रांडिंग क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट को एक एक्सक्लूसिव नेम देना,
जैसे मारुति, कॉटेड क्लियर। और ये आपको नजर आ रहा है बच्चों, एस एस स्टैंड फॉर सुजुकी। और बच्चे कह रहे हैं पंख क्यों बने, पंख नहीं बना बच्चों, ध्यान से देखिए, इट इज एक्चुअली रिफ्लेक्टिंग एम, रिफ्लेक्टिंग व्हाट, ये एम को रिफ्लेक्ट कर रहा है बेसिकली। और पंख इसलिए कि कंपनी इतनी तरक्की करेगी कि पर लगा के उड़ती जाएगी, तो दिस इज कॉल्ड एज अ ब्रांड बेसिकली। तो जिसमें नेम टर्म सिंबल कॉम्बिनेशन एक भी हो सकता है, ढेर सारे भी हो सकते हैं। स्केल यूज करते हैं आप कैमलिन का बच्चों, एक ऊंट होता है सर्कल के अंदर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉट, ब्रांडिंग क्यों की जाती है, ताकि प्रोडक्ट को दूर से आइडेंटिफाई करें। मैकडोनल्ड्स का एम बच्चों अगर आपको नजर आ गया तो आप समझ गए कि ये मैकडोनल्ड्स का आउटलेट है, तो दैट इज ब्रांडिंग। ऐसे ही बर्गर किंग भी है, लेवाइस भी है, पेपे भी है, तो दिस इज ऑल नोन एज कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांडिंग इटसेल्फ चिल्ड्रन। तो ये एप्पल का कटा हुआ ए भी नजर आता होगा सबको, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रांडिंग, समझ गए। नेक्स्ट वी हैव प्रमोशन, ये तो अभी आप दो चार बार और पढ़ेंगे। तो प्रमोशन का मतलब क्या है, प्रोडक्ट को मार्केट में मेंटेन करना इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट, ज्यादा से ज्यादा उसके आपको कस्टमर मिले। तो प्रमोशन होता कैसे है, सेल्स प्रमोशन, सेल बढ़ाने के लिए, कस्टमर के मन में एक नीड क्रिएट करने के लिए व्हाट वी डू, एडवर्टाइजमेंट। जब आपको लग रहा है कस्टमर भाग सकता है तो आपको पर्सनली उसे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, सेल्समैन उसको विजिट करेगा, इट इज नोन एज पर्सनल सेलिंग। एंड देन आप अलग अलग जगहों पे कुछ ऐसे इवेंट्स रखिए जिससे आपकी प्रोडक्ट की जो मार्केट वैल्यू है, जो इंपॉर्टेंस है, जो कस्टमर की नीड है, जो डिमांड है, कस्टमर की जो बाइंग पोटेंशियल कैपेसिटी को बढ़ा दे, दैट इज नोन एज पब्लिसिटी। यहां पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको समझने की जरूरत है बच्चों, एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी में डिफरेंस क्या होता है। अगर अमिताभ बच्चन जी कह रहे हैं कि भाई घड़ी डिटर्जेंट से कपड़े बहुत बढ़िया साफ होते हैं, और इस बात का वो पैसा ले रहे हैं और घर आके नहीं बोल रहे आपके, अगर वो आपके घर आके बोल रहे हैं बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है खरीद लीजिए, तो आप इसे क्या बोलेंगे, पर्सनल सेलिंग, अमिताभ बच्चन जी सेल्समैन हो गए। इट इज अ पेड फॉर्म बट इम्पर्सनल है, एडवर्टाइजमेंट में वो आ रहे हैं बट आपके सामने थोड़ा आ रहे हैं, तो इट इज एडवर्टाइजमेंट। बट मैं अगर बोलूं जाओ मैकडोनल्ड्स का बर्गर खा के आओ, मैक एग बहुत बढ़िया है, क्या मैकडोनल्ड मेरे को पैसा दे रहा है, नो, इट इज नोन एज पब्लिसिटी। तो पब्लिसिटी में मनी मैटर्स नहीं होते हैं, एडवर्टाइजमेंट इज पेड बट इम्पर्सनल, एंड पर्सनल सेलिंग इज पेड एंड पर्सनल। तो अगर आपके घर पे कोई सेल्समैन आता है और आपको प्रोडक्ट के बारे में कुछ अच्छी बातें बताता है, कंपनी ये काम करने के लिए उसको पैसा दे रही है, तो पर्सनल सेलिंग हो गई। यही चीज किसी वीडियो फिल्म के थ्रू, किसी ऑडियो स्ट्रिप के थ्रू आपको बताई जा रही है और कंपनी को इस पे पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, इट इज एडवर्टाइजमेंट। और अगर लोग तारीफ कर रहे हैं बट कंपनी कोई पैसे वैसे नहीं दे रही उनको, इट इज पब्लिसिटी। तो आपकी मम्मी का पड़ोस वाली आंटी को बताना, अरे भाभी जी हम वहां गए थे तीज पे मेहंदी लगवाने, वो मेहंदी वाला बहुत बढ़िया, आप भी वहीं जाइए का करवा चौथ में, तो व्हाट मम्मी इज डूइंग, पब्लिसिटी, इज दैट क्लियर। तो गूगल पे जैसे आप स्टार रेटिंग करते हैं, क्या आपको पैसे मिलते हैं उस स्टार रेटिंग के, नॉट एट ऑल। बट अगर मैं कहूं लाओ मेरे को 2 लाख रुपए दो, तुम्हारा एक बढ़िया वीडियो वायरल करवा देंगे, स्टार रेटिंग करवा देंगे, आजकल काफी एजेंसीज ये काम करती हैं प्रमोशन के लिए, देन इट इज अ पेड फॉर्म बेसिकली। ओके, तो पब्लिसिटी इज व्हेन इट इज अनपेड, डन बाय पीपल एंड दे डू नॉट गेट एनी मनी फॉर द सेम। एडवर्टाइजमेंट इज पेड फॉर्म, डन बाय द पीपल, दे गेट मनी, बट इट इज इम्पर्सनल, इंसान का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आपके साथ नहीं है। पर्सनल सेलिंग में अ पर्सन इज डायरेक्टली इन्वॉल्व। तो स्टार्टिंग में जब किसी भी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना होता है, तो सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, और लोगों से शॉपकीपर्स, बिजनेसमैन, होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले क्या बोलते हैं, सर हमारा गूगल पे जरा 5 स्टार रेटिंग कर दीजिए, तो वो आपको कोई पैसा नहीं दे रहे हैं बट आपसे क्या करवा रहे हैं, पब्लिसिटी। बट अगर मैं उनसे कहूं लो मेरे को 10 लाख रुपए दो, मेरी पूरी टीम है जो आपकी गूगल की स्टार रेटिंग अच्छी करेगी और पड़ोस वाले रेस्टोरेंट की स्टार रेटिंग कम कर देगी, 50 लोग को बैठा दो, पड़ोस वाले रेस्टोरेंट को 1 स्टार दिलवाओ और अपने आप को 5 स्टार दिलवा दो, तो आपकी रेटिंग बढ़ गई और मैं पैसा ले रहा हूं आपसे इस बात का, तो इट इज नहीं पर्सनल सेलिंग नहीं फिर ये, हाँ सेल्स प्रमोशन बोलेंगे आप इसको, ये एडवर्टाइजमेंट थोड़ा हो जाएगा, आपका कोई प्रोडक्ट थोड़ा हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये सेल्स प्रमोशन में आ जाएगा, समझ में आ गया। जब प्रोडक्ट लॉन्च होता है बच्चों, एडवर्टाइजमेंट बहुत बड़ा होता है, उसके बाद लोग समझ गए कि क्या है ये प्रोडक्ट, तो एडवर्टाइजमेंट का साइज काट के छोटा कर देते हैं। देखा होगा आपने ऐसा बहुत बार कि स्टार्टिंग में बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट आता था लगभग 40 सेकंड का, अब तो 6 ही 10 सेकंड 15 सेकंड में निपटा दिए, क्योंकि अब आपको प्रोडक्ट के लिए सिर्फ
रिमाइंड करना है, आप जान चुके हैं उसको। क्या हुआ? हर एड में ऐसे ही होता है, हर एड में। जैसे टाटा स्काई का पहले एड आता था, वो बड़ा बड़ा एड आता था, उसके बाद जब टाटा स्काई लोगों ने लगवाना स्टार्ट कर दिया, एड कट शॉर्ट करके छोटा कर दिया गया। कस्टमर्स जो आपके होते हैं उनको इन्फॉर्म करना, और बार बार एड क्यों दिखाया जाता है, ताकि आप उस चीज को खरीदे। समझ में आ गया? तो स्टार्टिंग में एड फिल्म हो सकता है 90 सेकंड की हो, कुछ दिन बाद ये एड फिल्म 30 सेकंड की कर दी जाए। समझ गया व्हाट इज प्रमोशन? तो स्टार्टिंग में सब और बाद में रेस्ट इन पीस। तो जब इंसान जिंदा है तो सब लोग उसकी बात कर रहे हैं, बहुत बातें करते हैं, बहुत बातें दिन भर उसी बातें में बात करते रहते हैं। जब वो मर गया, कभी कभी उसकी बात याद आती है, तो रेस्ट इन पीस हो गया। ओके, लिख ले झटपट फास्ट, कोई क्वेरी है तो आस्क। गॉट इट? अंडरस्टूड वेल? समझ गए भाई? तो मैकडॉनल्ड जब इंडिया में आ रहा था, जब आया बहुत बड़े बड़े ऐड आते थे, लोग बर्थडे पार्टी बना रहे हैं, बर्थडे पार्टी होनी है, कहाँ जाना है, बहुत बड़ा ऐड होता था। बट अब बहुत बड़े एडवर्टाइजमेंट नहीं देते, बिकॉज प्रोडक्ट हैज ऑलरेडी बिकम वेरी फेमस। कस्टमर सपोर्ट सर्विस जितनी अच्छी होगी आपकी बच्चों, उतना आपका प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा बिकेगा। क्यों ज्यादा बिकेगा भाई? कस्टमर को पता है कि सेटिस्फेक्शन लेवल इज हाई, जब भी प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट आएगा तुरंत यू आर अवेलेबल। तो मेरा आरओ वाटर प्यूरिफायर वाला ऐसा ही है, जब भी कोई गड़बड़ी आती है मैं कॉल करता हूँ, 2 घंटे के अंदर उसका पर्सन रिपेयर करने पहुंच जाता है। तो आप ये प्रोडक्ट दूसरों को बताएंगे, भाई लेना है प्रोडक्ट इसी इंसान से लेना, क्योंकि इसकी सर्विस बहुत अच्छी है। मेरे इन्वर्टर वाले अंकल भी ऐसे ही हैं, जब भी इन्वर्टर में कुछ गड़बड़ी आती है, कॉल दैट पर्सन विद इन 1 to 2 hours अवेलेबल फॉर सर्विस। तो इन्वर्टर तो बहुत लोग बेचते हैं। मैंने उनसे बोला कि भाई आपसे खरीदने से फायदा क्या? कह रहे सर हमारे यहाँ अगर आपकी बैटरी खराब होती है हम आपको 2 घंटे के अंदर रिप्लेसमेंट देंगे। तो मैंने कहा एक्साइट की बैटरी लगवा दें, सर 15 दिन में रिप्लेसमेंट आता है। तो भाई हम लोकल प्रोडक्ट पे ज्यादा विश्वास कर लेंगे इस केस में, जहां पे हमारा काम चल जाए, ब्रांडेड पे हम विश्वास नहीं करेंगे। तो इंडिया में ब्रांड इज सेकेंडरी, कस्टमर सपोर्ट सर्विस इज वेरी 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 नेसेसरी। ओके, तो अगर आपका कस्टमर सपोर्ट अच्छा है बच्चों, तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा लोग प्रेफर करेंगे। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? मार्क कर लीजिए कस्टमर सपोर्ट को, लिख दिया। आफ्टर सेल सर्विस, हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट्स, और जो भी क्रेडिट सर्विस आपको मिल रही है वो कस्टमर के लिए बहुत ही कन्वीनियंट होनी चाहिए। अगर आप बहुत एग्जॉर्बिडेंटली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे अपने कस्टमर से, विल दे बी बाइंग योर प्रोडक्ट? नो बच्चो, वो आपका प्रोडक्ट बिल्कुल भी परचेज नहीं करेंगे। लिख दिया सबने? नेक्स्ट पार्ट इज प्राइसिंग। बताया था मैंने जापानीज कॉन्सेप्ट, स्टार्टिंग में प्राइस को थोड़ा लो रखो, लेट द कस्टमर्स कम एंड बाय, डिमांड बढ़ने दीजिए, धीरे धीरे प्राइस बढ़ा देंगे। कस्टमर्स बोलेंगे अरे बड़ी चोर कंपनी है आपकी, नहीं 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 वो तुम्हारा इंट्रोडक्टरी प्राइस था, जब प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया हमें भी पैसे की जरूरत थी तो हमने सस्ते में बेच दिया, नाउ डिमांड इज इंक्रीजिंग तो हम प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे वेरियस मेथड्स आर ऑल्सो देयर। इसमें एक होता है बच्चों कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड, एक होता है स्कीमिंग प्राइसिंग मेथड, कि स्टार्टिंग के कस्टमर से ज्यादा वसूलो, बाद में प्रोडक्ट का जब मार्केट एक्सेप्टेंस आ जाए, लोग उसे खरीदने लग जाएं, तो अल्टीमेटली प्राइस को कम कर दो। हैंड इन हैंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कस्टमर्स की पेइंग कैपेसिटी क्या है। तो इंडिया में जब मर्सिडीज अपनी गाड़ी लेके आता है वो सीधे 2.5 करोड़ का मॉडल नहीं लेके आएगा, बिकॉज दे नो कि इंडिया के कस्टमर इतना पैसा नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे होंडा सिटी अगर 25 लाख, 20 लाख, 15 लाख की है, तो मर्सिडीज वाले बोलेंगे चलो हम भी 40 लाख में एक मॉडल लॉन्च कर दें। तो कॉस्ट प्लस मतलब जो कॉस्ट आ रही थी प्लस सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जोड़ के मार्केट में बेचो। स्कीमिंग, स्टार्टिंग वालों को ज्यादा में चिपकाओ और बाद वालों में थोड़ा कम पैसा ले लो। देयर आफ्टर कस्टमर की पेइंग कैपेसिटी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारा कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट किस प्राइस पे बिक रहा है। अगर हमारा कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट बहुत सस्ता है और हमारे प्रोडक्ट जैसी क्वालिटी उसके अंदर है, क्या कस्टमर महंगे में खरीदेगा? ठीका नहीं खरीदेगा। तो इसलिए आपको इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान देना है बच्चों। डन ऑल? लिख लिया? लिखिए लिखिए फास्ट, कोई क्वेरी है तो आस्क। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पे बात होती है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की। आपके पास कितना स्टॉक है, इन्वेंट्री लेवल्स आप कैसे मेंटेन करेंगे, थोड़ी सी यहां पे इकोनॉमिक्स भी चली आती है। प्रोडक्ट को उस जगह पे रखिए जहां से उसका डिस्पैच बहुत ईजी हो। तो लाइक रिलायंस वाले हर शहर में अपना स्टोर तो खोल लेते हैं, बट हर जगह अपना गोडाउन नहीं खोलेंगे। वो गोडाउन एक सेंट्रलाइज्ड प्लेस पे होगा जहां से सामान
डिलीवर हो जाएगा. सो यू शुड हैव सफिशियंट स्टॉक इन द टाइम ऑफ नीड्स. आपका वेयर हाउसिंग बढ़िया होना चाहिए. ऑर्डर प्रोसेसिंग शुड बी वेरी 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 फास्ट एंड योर ट्रांसपोर्टेशन शुड बी वेरी चीप एंड एफिशिएंट. तो पहले अमेजोन किसी और के थ्रू प्रोडक्ट बेचा करता था, बट अब अमेजोन को समझ में आ गया कि भाई दूसरे लोग प्रोडक्ट को चुरा लेते हैं, मोबाइल फोन निकाल के उसके अंदर साबुन रख देते हैं, पैकिंग कर देते हैं. तो इन्होंने अपनी सर्विसेज देनी स्टार्ट कर दी. ओके, समझ में आ गया? अपडेट कर लें झटपट फास्ट बच्चों.